मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम के गांव स्थित महावीरपुरा कॉलोनी में रहने वाले विशाल उर्फ कालू के घर पर भी दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची। फायरिंग के बाद जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में विशाल की पहचान की गई है। विशाल की पहचान होने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुग्राम पुलिस से भी संपर्क किया है। रविवार रात 11 बजे दिल्ली पुलिस ने विशाल की मां और बहन से पूछताछ की थी। उनके बयान दर्ज किए गए थे। विशाल की बहन के मुताबिक विशाल 1.5 साल से अपराध की दुनिया में चला गया था, इसलिए उन्होंने उससे नाता तोड़ दिया था। वह इससे पहले 27 फरवरी की रात घर आया था, लेकिन घर वालों के कहने पर वह वापस चला गया था। 29 फरवरी की रात रोहतक के लाखन मांजरा में गुरुग्राम के स्क्रैप कारोबारी सचिन उर्फ गोदा की हत्या के मामले में भी विशाल का नाम सामने आया था। रोहतक क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इस हत्याकांड में 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी विशाल की मां और बहन से पूछताछ में पता चला था कि जिन 2 गाड़ियों में हत्या करने के लिए आरोपी पहुंचे थे, उसमें विशाल भी शामिल था। हत्याकांड के बाद से उसकी तलाश रोहतक क्राइम ब्रांच कर रही है। एक बार फिर से विशाल का नाम सामने आने पर मुंबई, गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार विशाल ने 10वीं तक पढ़ाई की थी।